भोपाल में दिग्विजय सिंह के फोटो ना छापने के मामले में कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह की सलाह नहीं मान रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की इच्छा विरुद्ध फोटो छापे गए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आखिर कौन रोक सकता है। दिग्विजय सिंह का आग्रह मानना न मानना पार्टी का अधिकार है। कहा कि पार्टी के जितने अधिकृत पोस्टर बैनर बने उसमें उनका फोटो नहीं लगाया जाए। अब चूंकि उनने वो आग्रह किया तो अभी आग्रह स्वीकार होता है, उस पर क्या निर्णय होता है तो बात की बात है। लेकिन जिस पेम्पलेट का आप जिक्र करें वो किसी कार्यकर्ता ने बनाया होगा, तो कार्यकर्ता तो स्वतंत्र है ना, किसी का भी फोटो पोस्टर बैनर लगा सकता है वो, कोई उसके लिए तो किसी की उसकी अनुमति नहीं लेना पड़ती है। तो कार्यकर्ता लगाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह था। दिग्विजय सिंह जी नेता है, उनके सबके सबके नेता हैं, सबके लिए सम्मान, इसलिए फोटो लगाते हैं। बाकी जो उन्होंने पत्र कमलनाथ जी को लिखा उस पर अधिकृत रूप से जो उन्होंने पत्र लिखा उस पर अधिकृत जो भी पोस्टर बैनर होंगे उसको निर्णय लिया जाएगा समय आने पर। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपक फोनलाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि किसी भी बैनर पोस्टर पर उनकी तस्वीर ना छापी जाए, ऐसे में यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अब बैनर पोस्टर से दिग्विजय सिंह का चेहरा हट जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में जो प्रेम है, जैसा कि अभी हमने सुना नरेंद्र सलूजा भी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को कोई मना नहीं कर सकता, ऐसे में एक बार फिर तस्वीर छपने पर अब सियासत भी तेज हो रही है। जी जी, बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिए थे, आग्रह किया था, पत्र लिखा था कमलनाथ को कि जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित, उनमें उनका जो है फोटो में जो है फोटो ना छपे बैनर पोस्टर पेम्पलेट वगैरह में। परंतु जो कार्यकर्ताओं ने जो एक टेम्पलेट सामने आया जिसमें उनका फोटो छपा हुआ है, तो उसको लेकर जो है कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि ये जो फोटो छपा जो कार्यकर्ताओं की मनसा रूप छपा, उन्होंने जो आग्रह किया है इसे स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है ये हाईकमान का विषय है। वो यदि स्वीकार करते तो जो ऑफिशियली जो बैनर पोस्टर टेम्पलेट छपेंगे उनमें उनका फोटो नहीं रहेगा, परंतु जो यदि जो उनके जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, यदि वो छापते हैं तो उनमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक ये इस पूरे मामले में जो है सियासत तेज हुई है, और वहीं जो बीजेपी का भी कहना है कि वो खुद ही स्वयं जो है ये अब कुछ छपना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब उनका फोटो छपता है तो जो लोगों में जो उनकी तस्वीर जाती है कि किस तरह से उन्होंने 10 साल मध्य प्रदेश चलाया है, बंटाधार कर दिया है, इसीलिए दिग्विजय सिंह स्वयं अपना जो है फोटो लगवाने से अब मना करें क्योंकि पार्टी को हानि होती है। जी शुभांगी, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस मीडिया समन्वयक का कहना है कि कार्यकर्ताओं के मन में जो दिग्विजय सिंह के लिए प्रेम है, उनके समर्थकों के मन में है, उसको कम नहीं किया जा सकता। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख कांग्रेस का रहता है। धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।